भी आज ये कौन से हेडफोन दे दिए तूने मेरे को आज? मतलब चार्ज लगाना भूल गई। कुछ भी एयरबड यार, इसमें कैसे करेंगे हम? सुनना ही है, लगाओ कान। ये लेफ्ट वाला है, राइट में घुसा दू फिर मैं। ये तू इसको लेफ्ट में करना, मेरे को राइट वाला दे दे। इसमें से राइट वाला ये रहा। तभी वो गिरी जा रहा था मेरे कान से। हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और इस बार क्या है? इस बार है समथिंग फनी। यस, बहुत मजा आएगा। हम सुनने वाले हैं पाजी हैं एक, उनका नाम है जसप्रीत सिंह। स्टैंड अप कॉमेडी की है उन्होंने, थिएटर और पड़ोसी कपल। भाई मुझे ना इसका नाम सुन के बहुत ही मतलब लग रहा है कि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो हम क्या करते हैं, हम सीधा पहले सुनते हैं पाजी जी ने क्या बोला है। चलो लेट्स गेट ते स्टार्टेड। मेरी लाइफ काफी चेंज हो गई, मेरे को काफी बार ना जा रहा हूं सड़क पे, लोग पहचान लेते हैं, व्हिच इज अ ग्रेट फीलिंग। अनजान लोग पहचानते बहुत से लगता है, मगर मेरी ऑडियंस मेरी तरह मिडिल क्लास पहचानती वहां जहां मैं चाहता नहीं। कुछ दिन पहले मार्केट में घूम रहा था, घर से फोन आया, करे आते हुए रायते के लिए बूंदी ले आना। बेसिक डिमांड, अच्छा इंसान, मेरे काम कर। मैं दुकान पर गया, मैं क्या भैया एक पैकेट बूंदी देना, ये लाइक 20 वाला 40 वाला। मैं ऑब्वियसली 20 वाला, 40 की बूंदी कौन खा रहा है। पैसे आए हैं, औकात थोड़ी बड़ी है। देयर वाज अ गर्ल नेक्स्ट टू मी, शी वेंट, आर यू जसप्रीत? मैं कहा भैया डाइजेस्टिव बूंदी है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। और साथ में ना पंपकिन और चिया सीड्स बांध देना, चिया मेटाबॉलिज्म के लिए बढ़िया होते हैं। मेरी छोटी सी परेशानी है, मेरे को पहचानता है, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ और मैं उनको इंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए मैं ना भारी भारी वर्ड बोलना शुरू कर देता हूँ। मगर मैंने फिगर आउट किया, किसी को इंप्रेस करना हो कभी पूरी अंग्रेजी में बात मत करो, क्योंकि फिर उनको पता लग जाता हूँ पढ़े लिखे हो। देहाती लैंग्वेज में एक वर्ड डालो अंग्रेजी का, IELTS 7 बैंड टाइप, ओहो दिमाग ही फट जाता है। कभी ट्राई करना, कोई पूछे ना अबे तू शिमला हो के आया था, कैसा गया? ओ शिमला पैंच बर्फ पड़ रही थी, ओले वोले बॉनफायर शराबे भी बड़ा रिजुवनेटिंग था करा रहे। ये तो गार्नियर की एड में आता था यार। हमेशा हमेशा जनता में वो गलत जगह पहचानती। मैं एक बार मूवी देखने गया था, गली बॉय, देखी गली बॉय? पर कितना आप जाते हो वीकेंड पे, मैं जाता हूँ वीक डे, क्योंकि फ्रीलांसर। हमारा कोई दफ्तर नहीं होता। मैंने बीवी की छुट्टी करवाई, मैं क्या हो मूवी देख के आएंगे, तो हम गए दिल्ली में PVR को, वहाँ देखने गए मूवी। तो हम घुसने वाले, तुम्हें पता बाहर कैंटीन होती है जहाँ पे ठूसने का सामान मिलता है, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे इतने बड़े ग्लास में पेप्सी देते हैं वो लोग। और इनका स्मॉल है, इनसे लार्ज मांग लो ड्रम में मुंह डाल। कौन इंसान का बच्चा एक टाइम पे इतनी पेप्सी पी रहा है? हमने वो बोले दो खरीदे थे और एक टब पॉपकॉर्न, इतना बड़ा टब देते हैं वो लोग। हमने एक बार में तीनों ही खरीद लिए, वो उस दिन हमारी FD मैच और हुई थी ना, इसलिए। तो वो लेके अंदर घुसे, अंदर हॉल बड़ा खाली था, मैं सोचू हॉल बड़ा खाली खाली है, बाद में ध्यान आया ओ दुनिया नौकरी पे गई है। हम पहुंचे अपनी सीट पे, तो हमारे साथ एक अंकल आंटी की सीट थी, तो सीन ऐसा बन गया, आंटी अंकल मैं मेरी बीवी पीछे एक फ्रेंड्स ग्रुप, बाकी हॉल खाली, हम चार लोग बैठे लाइन में पुदों की तरह। पेप्सी रखी, टब मेरे हाथ में, इतना बड़ा टब देते हैं वो लोग, 390 रुपये का। इतनी बड़ी हमारे घरों में एक बाल्टी हुआ करती है। हम उसमें लड़का नहलाते हैं, बाद में उसकी नंगी फोटो खींचते यूं करते। फिर 25 साल बाद उसकी बीवी को दिखाते हैं, देखो नंगू पंगू नंगू पंगू नंगू पंगू, ये देख। हाँ तब और बीवी देख रही है, करी हाँ भाई क्या हो गया। तो मैं ना पॉपकॉर्न खाने ही वाला था, मैं खाने ही वाला था, अ कपल वॉक दिन, दिल्ली का कूल कपल वॉक दिन, समझते हो कूल कपल? लड़की ने पहना क्रॉप टॉप विद ब्लैक जैगिंग्स, दो गोल्डन जिपर इधर, दो गोल्डन जिपर इधर। उधर के जिनके इंस्टाग्राम बायो में लिखा होता है बेबी एम अ नाइटमेयर ड्रेस्ड एज अ डेडी, पूरी के मिक्स्ड विद लिटिल बिट ऑफ सनशाइन। और लड़का भी डूड डूड लड़का, एकदम डूड डूड, यहां से गंजे यहां से खड़े। और ये हरामजादे
टी शर्ट के नीचे बनियान नहीं पहनती इनके कहते फालतू होते हैं लड़के दूर लड़के जो ऐसी ऊंची सीट वाली बाइक चलाते हैं तोतिया रंग की फिर यूं करके बैठते हैं पिछवाड़ा दिमाग सेम लेवल पे आ जाता है दे वॉक दिन और कोइंसिडेंटली उनकी सीट भी हमारे साथ ही थी तो सीन ऐसा बन गया आंटी अंकल मैं मेरी बीवी वो बंदी उसका बंदा पीछे फ्रेंड्स ग्रुप बाकी हॉल खाली हम छह लोग बैठे लाइन में पोतों की तरह मैंने बीवी से पूछा मैं पॉपकॉर्न खाई यार मैंने कहा तू खा ले पूरा डब्बा मेरा ईमानदारी से बताना अगर पूरा डब्बा तुम्हारा है तुम्हें किसी से शेयर नहीं करना उसको तमीज से खाने का एक ही तरीका बनता है लेट नॉट बी जजमेंटल हियर तो मैं खा रहा था बंदी ने पहचान ली कह रही आर यू जसप्रीत मैं कहा कह रही आपकी वीडियोस काफी अच्छी होती है मैं कहा थैंक यू सो मच कह रही अगले शो की टिकट दे दो ये समाज इतना बदतमीज क्यों है यार लोगों को ऐसा क्यों लगता कि मैं अपने शो की टिकट लेके घूमता हूँ बताओ दीदी कितनी काटू तीन आगे वाली मेरे स्कूल में फेट लगी भैंस टिकट बांटता फिर उन लोगों को मैं कहा टिकट तो नहीं है ये खाओगे नाइस बत्ती बंद हुई एड चालू हुई पहले आया उसकी स्मोकिंग की एड के आपके फेफड़ों में टार में हट गई कैरमल फ्लेवर खा रहे खराब मत करो उसको फिर आई उसकी एड वीको की देखी वीको की एड वीको हाँ वीको की एक नहीं आती वीको की आती 15-17 वो तब तक आती है जब तक तुम्हारे दिमाग में एक खास जगह पर दर्दना शुरू हो जाए वो पूरा गोदाम दिखाते हैं वीको टर्मरिक वीको शेविंग क्रीम वीको वजदंती वो एड नहीं वेब सीरीज है वो उसका सीजन 2 आएगा नेटफ्लिक्स पे वो साले इतनी एड दिखाते तुम्हारे दिमाग में ना वीको बजना शुरू हो जाता है तुम्हें वीको दिखना शुरू हो जाता है दिखा रहे यार मेरे दिमाग में बज रहा है वीको वीको फुल्ले खा रहा हूं करते वीको वीको मैं खा रहा हूं भाई तो ये चल रहा था साथ वाले अंकल ने बुला लिया कि रे बेटा वो लड़की तुमसे बात कर रही थी तुम हो कौन तो मेरे दिमाग में वीको इतना बज रहा था मैं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया अंकल ने क्या बोला मेरे को लगा अंकल डीप क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम हो कौन मैं सोच में पड़ गया मेरा अस्तित्व क्या है क्या मकसद है ब्रह्मांड पे आने का अंकल बोले बड़ा बकचोदनी काम क्या करते हो काम पूछ रहे हो क्या मैं अंकल स्टैंड अप कॉमिक हूं अंकल ये नहीं बोला तो मेरे को नहीं जानते अंकल ने बोला मुझे ये प्रोफेशन ही नहीं पता तो मैं क्या ऐसे मुंह पे थूकने की बात थी नहीं देखोगे तो पता लगेगा कह रहे कहां देख रहा होता मैं लाइव शोज करता अच्छा लाइव शोज करता जी लाइव शोज करता कर अगले शो की टिकट दे दो मैं आगे अंकल टिकट तो आपके लिए भी नहीं है नया फ्लेवर आया थूक कैरमल फिर आया ट्विस्ट मैं बैठा बीवी के साथ मस्त था क्यूटी पाई बनके खुले खा रहा था 5 minutes into the movie, I realized कि मेरे राइट साइड पे कुछ कुछ चल रहा है अब देखो मैं थोड़ा सा पॉपुलर आदमी हूं ऐसे मुड़ के देख नहीं सकता ना हाँ जी भाई वन निशान अच्छा नहीं लगता यार सोफिस्टिकेशन तो मैं ना यू चेकआउट कर रहा था क्या हो रहा है उधर बुलबुले फूट रहे थे मस्त वो कर रहे थे लाडी लाडी वो कर रहे थे पपियां और वो नॉर्मल पपियां नहीं थी पपियां हमारी बिरादरी में भी होती हैं वो देवर नॉट किसिंग देवर किसिंग विग्रसली लाइक एकदम कैलोरी बर्निंग स्टफ वो अपने घर से टारगेट लेके आए थे फिटबिट का अपनी कि जब बाहर निकले टी शर्ट भीगी होनी चाहिए समाज के लोग पूछे भैया अंदर ट्रेडमिल भी है क्या वो पपियां कर रहे हैं वो रुक इन रहे मैं पहले क्लैरिफाई कर दू मैं हूं मॉडर्न कूल आदमी मेरे को पपियों दिक्कत है नहीं पपियों दिक्कत नहीं है इनफैक्ट आई एम अ फैन मैं कहता हूं क्या सही कॉन्सेप्ट है यार पास आओ मुंह जोड़ो
क्या बढ़िया कान गर्म होते भाई उससे। मेरे को सिर्फ इतनी परेशानी है कि मेरे को अपनी मूवी के बीच में बैकग्राउंड स्कोर नहीं चाहिए। और बहन जो पपियां करते सांस ले रहा था यार। थोड़ी खड़खड़ आ रही थी, उसको जुकाम भी था। एंड माई वाइफ गॉट एम्बैस एट अ पॉइंट, जब उन्होंने किस करते हो लड़की ने ये आवाज निकाल दी। ये आंटी मुझे घूर रही। मैं क्या आंटी थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा। ऊपर से कैंटीन वाला आ गया, कह रहा वांट टू ऑर्डर समथिंग। मुझे नहीं, इनको लिमका दे यार पहले। इनका ड्रम में मुंह डाल थोड़ी देर। समझ रहे, कैंटीन वाला यहां खड़ा है, हम तीन कपल बैठे, उसको लगा हम तीन कपल साथ में आए हुए हैं। मैं कहा नहीं, देखो समझो, पहला कपल नॉर्मली बैठा हुआ है, मैं था हाथ पकड़ के, और तीसरा कपल यूं। हम लोग ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्ड में बैठे हुए हैं। पहला कपल ऐसा बैठा हुआ है नॉर्मली, मैं फूले खा रहा हूं और ये पता नहीं क्या खा रहे। ये सोच रहे कि मैं अपने मुंह से क्या कर रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं बैठो ये अपने मुंह से क्या कर रहे। पपियों से दिक्कत नहीं मेरे को, been there done that, पपियों से दिक्कत नहीं। बहुत सही था यार, मतलब मजा आया मेरे को ना, मतलब ये आजकल कॉमेडियन को इनको सुन के ना बड़ा मजा आ रहा है, मतलब है ना, खून बढ़ रहा है हमारा। देख तुम्हारी चीक्स कैसे रेड हो गई हैं, ब्लश कर रही है, मतलब इतना फनी फनी इसने पंच मारे ना इसके अंदर। तुम्हें कैसे लगा, फनी था ना काफी? हाँ फनी था, मतलब बहुत हाई लेवल का फनी कर दिया था। वैसे आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, पेट दुख रहा है मेरा अज़ीज़ के पाजी ने मजाक, मतलब की कहते फटे चकते, और मजा आ गया सानू देख के, उस लिटरली बहुत फनी था। ट्विस्ट पाया गया ना, जिदा जो पंजाबी बातें बीच में बोल बोल के जो तड़का लगाया भाई, और बहुत मजा आया। चलो गाइज, हमें बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ, और ऐसे हमें प्यार करते रहो, बहुत प्यार मिल रहा है। आप हमें लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ, कमेंट्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है? हमें तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।